हेलो फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके मन में किसी भी तरह के डाउट आते हैं तो इन सबका सोल्यूशन अब आपको मिलने वाला है डाउट नेट ऐप पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन 6th to 12th क्लास का हो, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस, नीट, या फिर आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट का हो, इन सबका सोल्यूशन उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर। इसके अलावा कोटा की बेस्ट फैकल्टी अब उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर, जैसे कि JB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, ये सभी टॉप टीचर्स आपको मिलेंगे डाउट एंड ऐप पर, यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट एंड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी तुरंत जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत हो दोस्तों। इस समय कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर प्रमोशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, केवल सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स प्रमोट हो सकते हैं, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को परीक्षाएँ देना पड़ सकती हैं। पूरी न्यूज़ विस्तार से जानने के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए लेकिन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रही है लेटेस्ट अपडेट डिग्री कॉलेजेस के लिए, आप देख लीजिए। डिग्री के लिए UG में 2 और PG में 1 परीक्षा देना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिल पा रहा है बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब विश्वविद्यालय व कॉलेज की परीक्षाओं पर यहाँ पर नजर है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बता दें आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, स्क्रीन पर आपको लाइव देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आज की जो न्यूज़ है वो राजस्थान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही 10th और 12th क्लास के बोर्ड की परीक्षाएं जब रद्द हो सकती हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता है, आज सुबह 9 बजे से इसके लिए ट्विटर कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 9 बजे से आप तैयार रहेगा ट्विटर कैंपेन के लिए, जो कि देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए चलाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग की जाएगी। आप देख लीजिए, एक परीक्षा देना यहाँ पर जरूरी है। ऐसे में जो विद्यार्थी गत वर्ष प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किए गए थे उन्हें इस साल द्वितीय वर्ष और फिर अगले साल तृतीय वर्ष की परीक्षा देने के बाद ही जो मार्कशीट है और डिग्री मिल पाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना है, सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना पड़ सकते हैं, लेकिन इस पर जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तभी इसके बारे में कन्फर्म जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके साथ ही समझ लीजिए, वहीं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने कोरोना से पूर्व प्रथम वर्ष की परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन द्वितीय वर्ष से प्रमोट होकर तृतीय वर्ष में आने के बाद अब उन्हें तृतीय वर्ष की परीक्षा देनी ही होगी, आज की सबसे बड़ी अपडेट है। इसी तरह PG में प्रीवियस से प्रमोट होकर फाइनल में आने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा देनी होगी, ये भी आज की सबसे बड़ी अपडेट है। जो IIM, MSc, MCOM के स्टूडेंट्स हैं उनमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट मारा जाएगा और जो सेकंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर होता है आपका उसमें आपकी परीक्षाएँ होंगी, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप यहाँ पर बताया गया है कि इन परीक्षाओं के लिए फिलहाल यही विकल्प है कि जब भी कोरोना का कहर कम हो तब सितंबर और अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित कराई जाए, लेकिन यहाँ पर जब बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं तो आखिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं की जा रही हैं, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रमों के UG और PG स्तर की परीक्षाओं में 2 और 1 वर्ष की परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है, ये नियमों में भी है और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए भी जरूरी है, नहीं तो विद्यार्थियों को आगे चलकर नौकरियों में फिर परेशानी होगी। फिर भी अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को एक तरफ से प्रमोट कर दे, किसी को भी परीक्षाएँ देने के लिए बाध्य ना करे। आप देख लीजिए कहना है यहाँ पर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जो कि परीक्षा नियंत्रक हैं MD SUK। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स की परीक्षा हो सकती हैं और कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।